आज फिर एक बार हम लोग जो है डीएलएड के सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष के ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं। हम लोग डीएलएड के क्लास में किशोरावस्था के शिक्षा के स्वरूप पर आज चर्चा करेंगे। हम लोगों ने किशोरावस्था में उनकी विशेषताएं क्या थी उस पर चर्चा किए थे, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या थी। उन विशेषताओं के बाद यह समझ में आया कि किशोरावस्था बहुत ही जो है द्वंद्व की अवस्था है, बड़ी तनाव की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों का शिक्षा किस प्रकार की हो, इस पर विचार करना जरूरी है। तो शिक्षा के स्वरूप पर विचार करने का पहला जो है हम लोगों का बिंदु है, उस पर ध्यान देने की जरूरत जो है वह है शारीरिक विकास के लिए। पहला है शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। हम लोग शैशवावस्था से ही यह देखते चल रहे हैं कि शारीरिक विकास के बिना शिक्षा के किसी भी पहलू पर चर्चा करना बेमानी समझता है, क्योंकि शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक जो चीजें बच्चों को शिक्षा के रूप में ग्रहण करने के लिए दिया जाता है उसमें उन्हें कठिनाई हो सकती है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब इनको शारीरिक विकास के लिए चूंकि इनको पौष्टिक आहार देना होगा, पौष्टिक आहार की जरूरत होगी, जितने इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी जो है इनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी, प्रोटीन की जरूरत होगी, कैलोरी की जरूरत होगी, वो सारी चीजें इस उम्र में बच्चों को देने की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास अब अपने पूर्णता की तरफ जो है जाता है। अब बच्चे जो है मैच्योर होने की स्थिति को प्राप्त करते हैं, इसलिए इस समय शारीरिक विकास के लिए पौष्टिकता की बहुत जरूरत है, पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस शारीरिक विकास के लिए उनको खेलकूद भी बहुत जरूरत है। खेलकूद के माध्यम से उनके शरीर जो है काफी विकसित होता है। विभिन्न प्रकार के व्यायाम करें, विभिन्न प्रकार के व्यायाम की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से शारीरिक विकास के आधार पर जो है उन्हें शिक्षित करने की जरूरत होती है। शिक्षा में इस बातों को ध्यान रखना जरूरत होती है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, दूसरा मानसिक विकास के लिए शिक्षा। इस समय शिक्षा का जो स्वरूप होगा बच्चों का मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आता है। मानसिक विकास में हम लोग को पता है कि बुद्धि आता है, तर्क आता है, कल्पनाएं आती हैं, स्मृतियां आती हैं। इन सारी चीजों का विकास इस समय करने की जरूरत होती है। यह विकास कैसे उसके लिए जरूरत है कि बच्चे जो है तमाम तरह के विषयों को उनको बताने की जरूरत है, विज्ञान के है, साहित्य के, इतिहास का, भूगोल का, जितने भी विषय हैं उसके विषय में उन्हें अध्ययन कराने की जरूरत है। साथ ही साथ विषयांतर, विषय के साथ साथ जो विषय है पढ़ना है, और विषयांतर विषयों का भी, विषयांतर जो है विषयों का भी जो विषय में इंक्लूड नहीं है, विषय से संबंधित नहीं है, उनके क्लास से संबंधित नहीं है, फिर भी विषयांतर विषयों के लिए जो है उनके पास सारी चीजें उनको जो है अवेलेबल कराने की जरूरत होती है। उसके विषय में वो सोचे, चिंतन करें, तर्क करें, अधिक से अधिक उनके पास जानकारी हो, जिससे कि उनके मानसिक विकास जो है ठीक ढंग से हो सके। इसके लिए क्या किया जाए, पुस्तकालय की सहारा लेने की जरूरत है। पुस्तकालय संबंध होना चाहिए, वाचनालय की व्यवस्था होना चाहिए जो है प्रयोगात्मक कार्य होने चाहिए, यानी लैब की जरूरत होती है, वो लैब होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, इस तरह के अधिक संसाधन जो है उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि वो उनका मानसिक विकास ठीक से हो सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तीसरे यदि इस समय बिंदु पर ध्यान देने, शिक्षा के स्वरूप पर ध्यान देने की जरूरत है, वो संवेगात्मक विकास की बात है। तीसरा संवेगात्मक विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय बच्चों का संवेग बहुत तीव्र होता है, बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत जो है इस समय परेशान होते हैं,
एकाएक तमाम तरह के निर्णय ले लेते हैं आवेग संवेग में आकर के, भावनाओं में आकर के तमाम तरह के ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो असंभव है उसे संभव करने की स्थिति में वो आ जाते हैं। तो सांवेगिक रूप से जो है उन्हें एक सकारात्मक रूप से लेकर के और उसे विकास करने की जरूरत होती है। चौथा है सामाजिक विकास हेतु शिक्षा। चौथा सामाजिक विकास हेतु शिक्षा। सामाजिक विकास हेतु शिक्षा हम लोगों ने अध्ययन किया था कि शैशवावस्था के अंतिम जो उम्र है वहाँ पे जो है सामाजिकता की जो आर्ट दिखाई देती है, वहाँ से जो है सामाजिक भाव जो है उपजने लगते हैं, बच्चों में वो गुण दिखने लगता है। बाल्यावस्था में आते आते और स्पष्ट हो जाता है और किशोरावस्था में वह वृक्ष का रूप धारण करके यह तमाम तरह की शाखाओं के रूप में सामाजिक कार्य करते हुए देखा जा सकता है। तो बच्चों के अंदर सामाजिक विकास कैसे हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कार्य करने के उसके लिए वातावरण तैयार करने की जरूरत है। सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि उनके सामाजिक समायोजन का भाव कैसे पैदा हो उस पर ध्यान दिया जाए। समायोजन समायोजन सामाजिक समायोजन कैसे हो समायोजित सामाजिक समायोजन उन्हें करने की जरूरत है। एडजस्टमेंट कैसे उनका किया जाए, कैसे वो एडजस्ट हो, एडजस्ट करने के तरीके उनको जो है बताए जाए, तमाम तरह की परिस्थितियाँ ऐसी लाई जाए जिसमें सामाजिक समायोजन का स्वरूप उन्हें दिखाई दे। समूह नैतिकता, समूह में कार्य करने की जो है उन्हें विधा से जो है परिचय कराया जाए, ऐसे कार्य निर्धारित किए जाए विद्यालय के अंदर घर के अंदर इस तरह के जो है जिसमें कि समूह कार्य में वो संलग्न हो, यानी इसके साथ साथ समूह नैतिकता पर बल देने की जरूरत है। समूह नैतिकता पर बल देने की जरूरत है, वह सामूहिक रूप से नैतिक कार्य करें इस तरह की स्थितियाँ जो है उनके जो है सामने आनी चाहिए। मैत्री भाव का विकास हो, इसके साथ साथ मैत्री भाव का विकास हो, ये तमाम जो है डायमेंशन है उनके सामाजिक विकास के लिए जो जरूरी है कि वह जो है सामाजिक विकास के लिए इस तरह के कार्यों को संलग्न किया जाए। अगला जो विकास क्रम में है धार्मिक, पांचवें यदि हम लोग देखें जहाँ पे इसकी जरूरत है शिक्षा पे वहाँ ध्यान देने की जरूरत है किशोरावस्था में, तो वह पांचवा जो है धार्मिक विकास। बच्चे इस समय धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था है सामने झलकती है, तो धर्म के रूप में जो है उन्हें आगे बताने की जरूरत है कि वो इस तरह के कार्य कर सके, धर्म के प्रति आस्था हो, दूसरे धर्म के प्रति भी उनकी आस्था हो, धर्म निरपेक्षता का भाव भी उनके अंदर समाहित होने की स्थिति आए, तो धार्मिक विकास की जरूरत है, समूह पर ध्यान देने की जरूरत। वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा। हमें पता है कि सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते, एक हाई स्कूल लेवल के नहीं होते, एक परिवार से नहीं आते, अलग अलग परिवार में अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई अमीर घर से आता है, कोई गरीब घर से आता है, तमाम तरह के, कोई ग्रामीण क्षेत्र से आता है, कोई शहरी क्षेत्र से आता है, तमाम व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आई क्यू के आधार पर भी भिन्नता होती है। कोई ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो कोई शहरी क्षेत्र से आता है, तो ये तमाम तरह के बच्चों में होता है, उनके डेवलपमेंट में जो है तमाम तरह के अंतर होते हैं। तो सारे बच्चों को एक तरह के ट्रीटमेंट दिया जाए, एक तरह के जो है शिक्षा का जो है वातावरण दिया जाए, ये जरूरी नहीं है, उनके लिए अलग से भी वैकल्पिक व्यवस्था, यानी बच्चों के उनके मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अलग अलग रूप में यदि जरूरत पड़ती है तो उनके साथ अलग अलग तरह के व्यवहार को उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है, उनको शिक्षा प्रदान करने की जरूरत होती है। यदि सातवें की बात करें तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की जरूरत है। बच्चों के साथ उनमें जो है तनाव की अवस्था होती है, बड़े संघर्ष की अवस्था होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है जब कोई काम करते हैं उनसे गलती हो जाती है तो लोग डांटते हैं, परिवार के सदस्य और समाज के सदस्य, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। यदि वो कुछ नहीं करते हैं तब लोग कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र है कुछ करने की, तुम कुछ करते नहीं हो। तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो मुझे कार्य करने से रोका जाता है, दूसरी तरफ कार्य करने के लिए जो है कहा जाता है, तो हमारी अवस्था क्या है, हमारी जो है मानसिक स्थिति उनकी जो है उस समय बहुत जो है तनाव में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं कि हम या छोटे हैं कि बड़े हैं, मुझे कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर परिपक्वता है या नहीं है, तमाम तरह के मन में भाव उनके अंदर आते हैं। इसलिए उनके साथ
जो व्यवहार था वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, उन्हें लगे कि नहीं मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चों के अंदर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न किया जाए तो बच्चे उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चे चूंकि स्वतंत्रता चाहते हैं, उस उम्र की विशेषता है, तो वह प्रतिकार भी बहुत जो है कठोरता से करने लगते हैं। इसलिए उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वह बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उचित शिक्षण विधि का प्रयोग, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग। इस समय बच्चे जो है अपने परिपक्वता के शिखर पर पहुंचते हैं। इस समय जो है तमाम कौशल ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए जिसमें मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी हो सके, मूर्त के साथ साथ मूर्त प्लस अमूर्त जो है दोनों चिंतन हो सके, आगमनात्मक विधि का भी प्रयोग हो सके, निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग हो सके। क्योंकि बच्चे इस समय जो है मानसिक रूप से समृद्ध हो चुके होते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं, तो तमाम कौशल का प्रयोग जो है इस समय अच्छे ढंग से करने की जरूरत होती है। जो है अन्य विशेषताओं को भी हम लोग देख सकते हैं, तमाम इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये मुख्य विशेषताएं हैं जिसके आधार पर बच्चों के किशोरावस्था में शिक्षा पे हमें इन इन बातों को मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आज हम लोग शिक्षा के इन्हीं स्वरूपों पर आज विचार किए, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर पुनः जो है मिलेंगे। धन्यवाद।